नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष ब्रविसन और आप देख रहे हैं अपना चैनल संतोष ब्रविसन। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के सदस्य बन जाइए। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर के हम आपके लिए आए हैं जो आपके लिए बेहद ही कारगर रहेगा। दोस्तों, अक्सर हम अपना डॉक्यूमेंट्स स्कैन कराने के लिए किसी प्रिंटर वाले के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर दीजिए, कहीं भेजने हैं। तब जाकर के हम उनसे स्कैन करा करके कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स भेज पाते हैं। दोस्तों, आप अपने फ़ोन से ही कर पाएंगे प्रिंटर से भी खूबसूरत स्कैनिंग। जानते हैं कैसे ये संभव हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर पर लिखते हैं CAM स्कैनर। दोस्तों, सबसे पहले आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप CAM लिखेंगे उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा प्ले स्टोर आपको वहीं लेके जाएगा CAM स्कैनर की तरफ। तो दोस्तों, इसके इंटरफेस पे लिखा हुआ है CS। देखिए ये दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले CS लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है CAM स्कैनर। तो दोस्तों, इसे हम ओपन करते हैं। दोस्तों, मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको CS लिखा हुआ है, CAM स्कैनर हमारे सामने है। इसे दोस्तों हम कैसे यूज करते हैं, आइए जानते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। दोस्तों, ये है इसका इंटरफेस। दोस्तों, हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर लिया है और पहले से ओपन कर लिया है, इस वजह से अगर आप पहली बार इसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके लिए एक मोबाइल नंबर पूछेगा, उसमें आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डालने के बाद उसे वेरीफाई कर लीजिए। मोबाइल पर एक OTP जाएगा और OTP को आप वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप OTP से इसे वेरीफाई करते हैं तो जो आप इसमें डॉक्यूमेंट्स डालते हैं वो आपके काम आएंगे। दोस्तों, ये आपके डॉक्यूमेंट्स कभी गायब नहीं होंगे दोस्तों, अगर आप मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं तो। वैसे आप सिंपली भी इसे मोबाइल नंबर डाले बगैर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसका उपयोग कैसे करते हैं इस विषय में बताता हूँ और कैसे करता है ये प्रिंटर से भी स्कैनिंग। दोस्तों, प्रिंटर से भी खूबसूरत स्कैनिंग कैसे करेगा ये, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप किसी भी मोबाइल से इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप मोबाइल वैसे भी ज़्यादा जिसका कैमरा अच्छा ना भी हो तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी स्कैनिंग इतनी अच्छी आएगी कि आप कहेंगे हाँ ये ऐप वाकई में कमाल का है। दोस्तों, कैसे करते हैं स्कैनिंग इस विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी आप डॉक्यूमेंट्स को उठा लें, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों, हम कोई भी अपना न्यूज़पेपर या भी किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स तो हर कोई स्कैन कर लेता है, लेकिन आपको बड़ा कोई डॉक्यूमेंट्स अगर स्कैन करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों, अब बड़ा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएँ। बड़ा डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए हम इसे एक अपना न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, न्यूज़पेपर को स्कैन करके देखते हैं कितना अच्छा स्कैन होता है या नहीं होता है। दोस्तों, ये स्कैनिंग साफ साफ दिखाई दे रही है। इसे आप हम पूरे फेस को जूम कर लेते हैं, पूरा स्कैन कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके से देखिए कितना मस्त जूम है। दोस्तों, हम इसे किसी भी दिशा में भेज सकते हैं। दोस्तों, इसे अगर हमें भेजना है व्हाट्सएप पे तो हम दोस्तों शेयर कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल की तरफ से, या फिर PDF फाइल बना के भेज सकते हैं, या फिर JPG इमेज की तरफ से बना के किसी भी व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। दोस्तों, ये आपको बेहद ही साफ तरीके से दिखाई देगा, इस बात का हमारा दावा है।
दोस्तों अगर हम इसे स्कैन करते हैं छोटी सी चीज़ को, किसी छोटी सी चीज़ को स्कैन करना है तो कैसे करते हैं? दोस्तों ऊपर का जो स्क्रॉल होता है नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे इधर दबा लेते हैं, इसे इधर दबा लेते हैं, इसे इतना कर लेते हैं। अब इसे देखिए दोस्तों कितना साफ समझ में आ रहा है, नहीं कितना साफ दिखाई दे रहा है, स्कैनिंग इतनी अच्छी शायद ही किसी चीज की हो। तो दोस्तों मैं ऐसा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मैं संतोष वेसन इसी के साथ ही आप सबसे इजाज़त लेता हूं, और दोस्तों आप सबसे कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों बाय।